हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दीप ने एक पर 38 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो आपको किस तरीके से करनी होती है अगर आप वन टक्स ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो देखिए, आपको अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर मैं आगे पीछे दोनों की ही पार्ट साथ में कट कर रही हूँ। तो मैंने अस्तर को एक बार इस तरीके से फ़ोल्ड किया है, फिर अच्छे से तय करके मैंने एक बार फिर से फ़ोल्ड किया है। तो मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखिए एक लाइन ड्रॉ करके हम इसे सीधा कर लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से, और लेंथ लेनी है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि 13.5 इंच मुझे यहाँ पर तैयार लेंथ चाहिए। और ऊपर से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है शोल्डर मार्किंग के लिए। शोल्डर में ले रही हूँ यहाँ पर 5.5 इंच 38 साइज़ में। आर्मोन्स लिए हैं 5.25 इंच 5.75 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ पर मिला देना है। और चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है हमें यहाँ पर 9.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से हम यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई दे देंगे। गोलाई मैंने 1 इंच पर दी हुई है, और इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट आर्म होल्स के लिए गोलाई दे देनी है। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है यहाँ पर आपको। तो जो वेस्ट है वो 32 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है टक्स लगाने के लिए। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है वन टक्स ब्लाउज कटिंग करने का। ये बैक ओपन पर बना रही हूँ मैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये बैक पार्ट है। तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हमने 1.5 इंच लिया है, तो मैं 1/2 इंच इस तरफ से कम कर दूंगी, क्योंकि हमें बैक पार्ट में 1 इंच ही चाहिए होता है टक्स लगाने के लिए। और यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो आप भी 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें नीचे वेस्ट के साइड से। आर्म होल्स की गोलाई मैंने दे दी हुई है यहाँ पर, और देखिए इस तरीके से आपको टक्स की मार्किंग करनी है 38 साइज में। तो यहाँ से लेना है विड्थ में आपको 3.5 इंच 3.5 इंच लेना है, और ऊपर से टक्स पॉइंट लगाया है मैंने 10 इंच पर। इसमें वन टक्स में टक्स थोड़ा बड़ा ही आता है, तो मैंने यहाँ पर टक्स पॉइंट 10 इंच पर लगाया हुआ है। और 1 इंच इस तरफ से, और 1 इंच इस तरफ से ले लेंगे। वन इंच दोनों तरफ से लेना है आपको टक्स के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे, और यही मार्किंग आपको दूसरी तरफ भी करनी है। तो देखिए टक्स की मार्किंग आपको 38 साइज में इस तरीके से लेनी है। इस तरीके से दूसरी तरफ भी मार्किंग आपको कर लेनी है। अब देखिए हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक पर इसे कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करूँगी आर्म होल्स की। आर्म होल्स नापने हमें, तो आर्म होल्स हम बैक पार्ट के नापते हैं, फ्रंट के नहीं लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बैक की ही फ्रंट यहाँ से बैक की ही मार्किंग करके दिखाती हूँ। फ्रंट में हम गहराई दे देते तो हमारे आर्म होल्स बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें बैक पार्ट के ही आर्म होल्स नापने होते हैं। तो देखिए 8 इंच आ रहे हैं हमारे आर्म होल्स, तो दो हम इसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे। मैंने 2 इंच साइड से मार्जिन का छोड़ा है, और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के अपने आर्म होल्स नापे हैं। तो देखिए स्लीव्स कटिंग किस तरीके से करनी है। एक लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे। जितनी बड़ी भी आप स्लीव्स लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं, मैं इसमें स्लीव्स छोटी लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए छोड़ दिया है, और 4 इंच पर मार्किंग कर ली है। आर्म होल्स के लिए 8.5 इंच ले लिया है इस तरीके से, और मार्जिन का छोड़ के 1.5 इंच में ऊपर की तरफ ले लूँगी।
और इस तरीके से हमें यहाँ पर देखिए क्लाइन ड्रॉ करने के बाद स्लीव्स का शेप दे देना है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए बढ़ा लेना है। स्लीव्स की गोलाई है यहाँ पर 7 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। बीच में कट लगाने के बाद स्लीव्स में गहराई दे देनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बुकरम पे अपने नेक कटिंग करेंगे। तो मैं आगे पीछे दोनों ही तरफ बुकरम का यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पर वी नेक बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा नेक को ब्रॉड रखूँगी मैं विड्थ में। अगर आप राउंड शेप या कोई और नेक बनाते हैं तो आपको 2.5 इंच ही गला चौड़ाई लेनी है। तो मैंने बुकरम को सीधा कर लिया है। अगर आपके पास चिपकाने वाली पेस्टिंग होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। 3 इंच विड्थ में ले रही हूँ मैं गले के लिए और लेंथ में लूँगी मैं यहाँ पर 7 इंच, क्योंकि हमें यहाँ पर 6.5 इंच का गला तैयार करना है। तो ऊपर से 1/2 इंच का मैंने मार्जिन ऐड करते हुए लिया है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर वी शेप दे दिया है। अगर आप थोड़ी लेंथ बढ़ाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और इसे बीच से भी कट कर लेना है। अगर आप कोई और नेक बनाते हैं वी के अलावा कोई और नेक बनाते हैं तो नेक की चौड़ाई आपको 2.5 इंच ही लेनी है। और यहाँ से भी विड्थ में 3 इंच लेते हुए मैं यहाँ पर 10 इंच पे एक मार्किंग कर लूँगी लेंथ के लिए। अगर आप थोड़ी और लेंथ बढ़ाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पर वी शेप दे देना है। तो मैं यहाँ पर फ्रंट में और बैक में वी शेप ही रख रही हूँ नेक में। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही नेक कट कर लिए हैं बुकरम पे। हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर रखकर अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गई है हमारी। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट रखना है इस तरीके से और चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट ही रेडी कर रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर की तरफ निकल रहा होता है उसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब हमें सेंटर मार्किंग करनी है इस तरीके से। सेंटर मार्किंग कर ली है। अब हम फ्रंट का नेक रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर बिना चिपकाने वाला बुकरम लिया है। अगर आपका चिपकाने वाला बुकरम होता है तो उसे प्रेस से अच्छी तरीके से चिपका लेना है आपको और इस तरीके से इसे रेडी कर लेना है। और फ्रेंड्स, वन टक्स ब्लाउज़, बोट नेक की और अलग अलग साइज़ के वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं। बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताई गई है आपको, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर नेक रेडी कर लिया है। अब सेंटर से सेंटर मार्किंग करना है नेक की और इसे अटैच कर लेना है कच्ची सिलाई लगाकर। और इस तरीके से हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखें कि सिलाई आपके बुकरम के ऊपर ना आए, बुकरम के बिल्कुल पास में ही सिलाई लगानी है आपको, जिससे आपका जो नेक है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। अब हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं पूरे ही नेक पर। अब इसे पलट लेना है आपको। पलटने के बाद इस तरीके से एक सिलाई आपको अस्तर वाले कपड़े के ऊपर ले लेनी है और इस पे मेन सिलाई अभी हम बाद में लगाएंगे। आप चाहे तो इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं सिलाई ना लगाते हुए। अब हमने जो प्लेट्स डाली हुई हैं उस पे हमने एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमने जो प्लेट्स के लिए मार्किंग करी है
उतना मार्जिन लेते हुए प्लेट्स के ऊपर डबल सिलाई लगा लेनी है आपको। पक्का कर ले। तो देखिए यहाँ पर हमारे टक्स काफ़ी अच्छे बन गए हैं, उठाव भी काफ़ी अच्छा आया है। इसी तरीके से आपको लगाने हैं। और देखिए यहाँ पर हमने नीचे की तरफ कमर पट्टी भी लगा ली हुई है। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए हमें बैक पार्ट यहाँ पर इस तरीके से रेडी करना है। हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। इसकी भी हमें सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लें और सेंटर में मार्किंग कर लें चॉक से। नेक हमने देखिए इस तरीके से रेडी कर लिया है, जिस तरीके से फ्रंट का रेडी किया था। इसकी भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है आपको। अब हम बैक का नेक अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हमें नेक अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है आपको। अब 20 से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं आपको पूरे ही नेक पर। अब इसे पलट के आपको एक सिलाई इस तरफ ले लेनी है। देखिए अब हमें 20 से इसे कट कर लेना है, क्योंकि मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ। अगर आप इसे साइड जिप बनाना चाहते हैं तो आप इसे कट ना करें। और इस तरीके से बैक पार्ट में भी प्लेट्स ले लेनी है आपको दोनों ही तरफ। अब यहाँ पर हम हाई की पट्टी लगाएंगे, तो वो आपको इस तरीके से लगानी है। देखिए हमने हाई की पट्टी लगा ली है। इस तरफ हमें हुक की पट्टी लगा लेनी है। उससे पहले हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे और इस तरफ हुक की पट्टी लगा लेंगे। हमने हाई हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है और इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ पट्टी को फोल्ड करना है बैक पार्ट की पट्टी को, और इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। अब हमें नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए पूरे ही नेक पर हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है और इसे हाथ से प्लेन कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड में चला जाएगा
और नीचे से बराबर करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। नीचे से बिल्कुल हमारा पार्ट बराबर होना चाहिए, ऊपर से जो भी पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है उसे इस तरीके से कट करके निकाल दें। कच्ची सिलाई को आपको निकाल के इसे पैक कर लेना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे, तो जितना हमने फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया हुआ है उतना फोल्ड करके इसे रेडी कर लेना है। बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर है स्लीव्स का। अब हम शोल्डर के यहाँ से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो ध्यान रखिए आपने जो गहराई वाला पार्ट दिया है स्लीव्स में वो आगे की तरफ ही हो, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। देखिए यहाँ पर स्लीव्स पर आपको डबल सिलाई ले लेनी है। दोनों ही तरफ की स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है। अब हम यहाँ से जॉइंट मिलाते हुए हमें सिलाई ले लेनी है ब्लाउज़ की सीधी तरफ। ये सिलाई हमारी गुम सिलाई होती है जो कि अंदर की तरफ चली जाती है। दोनों ही तरफ से आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हम फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगा लेंगे। अब चेस्ट का और वेस्ट का हमें फोर्थ पार्ट ले लेना है दोनों ही तरफ से सेंटर मार्किंग करके। तो ये हमारा सेंटर है और यहाँ से फोर्थ पार्ट लेना है हमें 8.5 इंच। यहाँ से लेंगे हम 8 इंच। स्लीव्स का राउंड ले लेंगे 7 इंच। और सिलाई लगा लेंगे हम फिटिंग की। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।